ये कुछ कर नहीं रहे भाई साहब। आप भी भेड़क हो, इनके मंत्री भी भेड़क हैं। कोई तो कह रहा है मेरे को स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं मिला, कोई कह रहा है बच्चे पैदा ज्यादा करो, कोई कह रहा है डॉक्टर के कीड़े पड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, इसमें किसी को शक नहीं होना। विपक्ष दिख जाएगी भैया, ये अभी तक सरकार ही नहीं दिख रही एक महीने से। दो नहीं है, 100 गिना सकता हूँ इसे एक महीने में। ये राजस्थान की पर्ची सरकार है ना, ये केवल बातें करने के लिए, काम करने के लिए नहीं है। इनको खुद को पता नहीं है कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करना है। कानून व्यवस्था छिन्न छिन्न, महिलाओं के साथ बलात्कार, दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ रही हैं। सारी की सारी योजनाएं जो कांग्रेस के सरकार के समय से चालू थी उनको सबको बंद कर दिया गया। जितने डेवलपमेंट के काम थे उनके सबके वर्क ऑर्डर रोक दिए गए, पैसा रोक दिया गया, और कोई काम नहीं कर रहा है। कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को कह दिया गया कि आप तो घूमो राजस्थान और एक ही बात करो कि एसआईटी बना दी है, एसआईटी बना दी है। भाई बना दी है एसआईटी, पता है एक निर्णय है, लाखों निर्णय करने हैं उसमें से एक निर्णय है, लेकिन उस एसआईटी में आगे बढ़ो। जो हम लोगों पे आरोप लगा रहे थे कि साहब पकड़ नहीं है सरकार, पेपर चोरों को नहीं पकड़ रही है, माफियाओं को नहीं पकड़ रही है, उनको पकड़ के दिखाओ, लोगों को न्याय दिलाओ, गायों को बचाओ, माता बहने की इज्जत बचाओ, विकास के काम करो। इस ठंड में ठिठुर रहे लोग सड़कों पे, उनके लिए रेन बेसरी की व्यवस्था करो। इंदिरा रसोई शानदार थी, भरपेट भोजन मिल रहा था, उसको आपने नामकरण तो चेंज कर दिया, लेकिन उसमें और ज्यादा व्यवस्थाएं कैसे ठीक हों इसके बारे में आपका क्या विजन, आपने क्या किया वो बताओ। कोई तो कह रहा है मेरे को स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं मिला, कोई कह रहा है बच्चे पैदा ज्यादा करो, कोई कह रहा है डॉक्टर के कीड़े पड़ेंगे, कोई कह रहा है मैं ट्रांसफर करा दूंगा, कोई कुछ कह रहा है। आप देखिए नम, मतलब रोजाना के अगर आप इनके जो कोटेशन, जो वर्जन, जो उनकी बात अगर देखोगे तो आपको वही वो चलाना पड़ेगा। एक काम बता दीजिए कि सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना बनाने की बात पहले दिन की थी मुख्यमंत्री जी से ने खुद ने। आप बताइए साहब, सरकार बने 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था, कितने दिन हो गए साहब, 1.5 महीने के लगभग होने लग गए, हो गए 40-42-43 दिन। बनी की कोई कार्य योजना, कोई विभाग की कार्य योजना आपने चलाई, कोई टीवी चैनल पे चलाई, कोई पत्रकार प्रिंट मीडिया ने कहीं छापी? 100 दिन की कार्य योजना बनाने में 100 दिन लग जाएं और इससे ज्यादा भी लग जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो ये कुछ कर नहीं रहे भाई साहब। आप भी भेड़क हो, इनके मंत्री भी भेड़क है। आ रही है ना, हमारा तो काम ही सड़क पे रह रही, विपक्ष दिख जाएगी भैया। ये अभी तो सरकार ही नहीं दिख रही एक महीने से। हम तो फिर भी दिख रहे हैं, रोजाना आपके बीच में रहते हैं। गुजरात मॉडल ने देश को बर्बाद कर दिया। अब बिल्किस बानो वाला गुजरात मॉडल क्या? गुजरात मॉडल कोई मॉडल नहीं है, देश को बर्बाद करने का मॉडल है, जुमला है, और जुमले से पूरे देश बर्बाद हो रहा है। राजस्थान को गुजरात मॉडल नहीं बनने देंगे। राजस्थान राजस्थान ही रहेगा, राजस्थान का अपना मॉडल होगा, राजस्थान के अधिकारी, राजस्थान के राजनेता, राजस्थान के जनप्रतिनिधि, राजस्थान के लोग, राजस्थान के मीडिया के बुद्धिजीवी सब सक्षम है भाई साहब। गुजरात मॉडल की आवश्यकता नहीं है राजस्थान। आप लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, क्या इस बार राजस्थान में कांग्रेस पूरे 25 की 25 सीटों पर लड़ेगी? क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने बोला कि इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं। अगर मेरे भाई आपका सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है, कांग्रेस 25 सीटों पे लड़ेगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया अलायंस हमारी पार्टी आला कमान तय करता है तो वो कांग्रेस ही लड़ रही है ना, इंडिया अलायंस लड़ रहा है, वो तो कांग्रेस ही लड़ रही है ना। 25 में 25 सीटों पे हम लोग लड़ेंगे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। एक सीट दे दो हम शामिल। वो कौन क्या कह रहा है, वो इंडिया अलायंस का जो हिस्सा होंगे वही तो हमारे से बात करेंगे, और ये बात पार्टी आला कमान तय करेगा जो अलायंस के लिए कमेटी बनी हुई है, और वहां पर तय होगा कि किससे अलायंस, कौन इंडिया अलायंस में है, कौन अलायंस कहाँ कितनी सीटें छोड़नी है, कितनी किसको देनी है, ये हमारा स्टेट का विषय नहीं। पार्टी तो दिनेश डांगी को कहते तेरे को लड़ना है, दिनेश डांगी भारत में रहे तो दिनेश को लड़ाएंगे।
ऐसा गोपाल जी को टिकट मिला इधर ही लो। आपकी योजनाओं पर, आपकी सरकार की योजनाओं पर भाजपा के जो पक्ष में रहते हैं सवाल उठाए थे, अनिल अफसरों ने इन योजनाओं को बनाने में मदद ना की, आज भी भाजपा ने उन्हीं अफसरों पर भरोसा दिलाया। इधर तो आपकी योजनाओं की आलोचना की, तो देखिए वो जो आरोप लगाते थे वो आरोप ही बेबुनियाद लगाते थे, क्योंकि उनको सत्ता में आना था इसके झूठे आरोप लगा रहे थे। ये हमारी जो बात प्रमाणित हो गई है इनकी लिस्टों से कि हमने जिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने मिलकर के जो सरकार में अच्छी योजनाएं बनाई वो सब समन्वय के साथ में हमने अच्छा काम किया, इसके ऊपर की मोहर लगा रहे हैं तो अच्छी बात है हमारे लिए। झूठी बातें करके सत्ता में आगे आया तो नहीं जा सकता, लेकिन आगे तो आगे, ये तो बात सामने आपके, इसको कैसे करें। ठीक है, थैंक यू। चाय पानी पियो सर, धन्यवाद।